हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का फेवरेट पेनी स्टॉक सिनकॉन फॉर्मुलेशन पे बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो कि मैं देखकर काफ़ी हैप्पी हो गया, खुश हो गया कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है सिनकॉन फॉर्मुलेशन में, जो कि काफ़ी आप लोग जो इन्वेस्ट करते होंगे और ट्रैक करते होंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये न्यूज़ सुनकर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है सिनकॉन फॉर्मुलेशन की तरफ से। दो पॉजिटिव न्यूज़ है, दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। आप जानते हैं सिनकॉन फॉर्मुलेशन फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इनका अच्छा खासा डीलर नेटवर्क है। और फ्रेंड्स, पहली ब्रेकिंग और आज इसका जो ट्रेडिंग चल रहा है 8.04 रुपीज़ पे, काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा तो 8 रुपीज़ के आसपास ही शेयर घूम रहा है, साइडवेज जा रहा है, बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा है, बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा गिर जाए तो बाय करने को मौका देगा, बट कमबख्त 8 रुपीज़ के नीचे जाने को तैयार ही नहीं है, वहीं के वहीं घूम रहा है। पर कोई बात नहीं, इस रेट पे भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो, क्योंकि इसका 52 वीक हाई है 19.50 रुपीज़। कंपनी का पी है 38 का, ईपीएस है 0.23 का, डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.26, सभी बहुत अच्छा है। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ सबसे पहले कि सिनकॉन फॉर्मुलेशन अभी BSE पे लिस्टेड है, जल्दी ही ये NSE पे भी लिस्ट हो जाएगी, तो इसमें जो एम ऑर्डर लगाने की दिक्कत होती है BSE में वो नहीं रहेगी, तो NSE पे भी लिस्ट होने वाली जल्दी कंपनी, ये बड़ी न्यूज़ है। और उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि सिनकॉन फॉर्मुलेशन में इनके प्रोमोटर ने बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है जून क्वार्टर में। मैं आपको इसका पूरा पिछले 4 क्वार्टर्स का बताता हूँ ट्रैक रिकॉर्ड, और जून क्वार्टर में तो ज़बरदस्त बाइंग की है प्रोमोटर्स ने, बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ा लिया है। जून 21 में प्रोमोटर का होल्डिंग था 41.18%, सितंबर 21 में प्रोमोटर का होल्डिंग था 44%, दिसंबर में भी था 44%, बाद में मार्च में प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया 46.12%, और अभी जून में का जो नया प्रोमोटर होल्डिंग आया है कंपनी की ओर से, जो कि एक्सचेंज को इंटीमेट किया है, उसमें प्रोमोटर होल्डिंग बढ़कर हो गया है 50.57%। फ्रेंड्स, 4% से बाइंग की है जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। 4% एक ही क्वार्टर में स्टेक बढ़ाना, मतलब प्रोमोटर जब कॉन्फिडेंट होते हैं कोई भी कंपनी के फ्यूचर के बारे में तो ही इतना बड़ा स्टेक बाय करते हैं। इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जून क्वार्टर भी अच्छा आ सकता है इसका, और आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे आएंगे। कंपनी लगातार एक्सपांशन कर रही है तो इसीलिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आपने अगर होल्ड किया होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिन लोगों को नई एंट्री लेना है, थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में बाय कर सकते हैं एवरेजिंग कर, और जिन्होंने हाई रेट में लिया हुआ है वो जून क्वार्टर तक रुक सकते हैं। जून क्वार्टर अच्छा आएगा और मार्केट चलेगा तो यही शेयर आपको 20 से 25 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है, जो कि मिल रहा है सिर्फ 8 रुपीज़ में अभी। तो सिनकॉन फॉर्मुलेशन पे ये दो बड़ी अपडेट थी जो कि आपको जानना ज़रूरी था, और आई होप ये आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इस स्टॉक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास सिनकॉन फॉर्मुलेशन के शेयर्स है, क्या रेट में लिए हुए और क्या क्वांटिटी है, और आपको इसका टारगेट फ्यूचर का कैसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।